नमस्कार, आज हम बनाएंगे सूजी वेज रोल। बहुत सारी सब्जियां और तेल बिल्कुल नहीं, बहुत ही लाजवाब टेस्ट और हेल्दी रेसिपी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये एक कप बारीक वाली सूजी, अगर बारीक सूजी नहीं हो तो नॉर्मल सूजी को मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। और ये आधा कप दही, आधी छोटी चम्मच नमक और एक चौथाई छोटी चम्मच से भी आधा बेकिंग सोडा। इसको अच्छे तरीके से मिलाते हैं और सॉफ्ट डो बनाएंगे। थोड़ा सा तेल हाथ पर लगा लेंगे और आटे को थोड़ा सा मसलकर स्मूथ बनाएंगे। देखिए, हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है और अभी ये ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है, लेकिन सूजी थोड़ी सी फूलेगी और हमारा डो नॉर्मल डो हो जाएगा। ये डो तैयार हो गया, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे। ये डो अच्छा सा लग के तैयार हो गया। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इनको हम गोल करके पेड़े बना लेते हैं। और अब हम सब्जियों से स्टफिंग बनाएंगे। सब्जियों में हमने आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है और आधा कप ग्रेटेड फूल गोभी, एक चौथाई कप ग्रेटेड गाजर। सब्जियां आप अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चौथाई छोटी चम्मच ताज़ा क्रस्ड काली मिर्च और एक चौथाई छोटी चम्मच नमक, हरा धनिया एक दो टेबल स्पून। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। वैसे हम एक लोई उठाएंगे, थोड़ा सा हम बोर्ड पे तेल डालकर लगा लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल बेलन के ऊपर भी, ताकि हमारा आटा इनसे चिपके ना। और इसे हम पतला आयताकार शेप देते हुए बेलेंगे। ये बेलकर हमने शीट बनाकर तैयार कर ली। इस पर हम एक चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। देखिए, बिल्कुल पतला सा फैलाना है। पिज़्ज़ा सॉस की जगह हरे धनिए की चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस का खास स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। और अब ये सब्जी इसके ऊपर फैला देते हैं, बिल्कुल पतली पतली लेयर, एक जैसा फैलाएंगे। और अब हम इसे रोल करेंगे। एक जैसा कर लेंगे। ये किनारे हैं, थोड़ा इस तरीके से दबा कर इन्हें बंद कर देते हैं। ये हमारा रोल तैयार हो गया। छलनी में इसे हमें स्टीम करना है, तो इसमें हम थोड़ा तेल लगाकर इसे ग्रीस करेंगे। और ये रोल हम इसमें इस तरीके से रख देते हैं और दूसरा रोल बिल्कुल सेम तरीके से तैयार कर लेते हैं। और ये दूसरा रोल भी हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हमें इन्हें स्टीम करना है। इसके लिए हमने ऐसा बर्तन ले लिया जिसके ऊपर ये छलनी आसानी से आ जाए। इसमें डालेंगे हम 2 कप पानी और पानी को हम बॉईल कर लेते हैं। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, भाप बन रही है। ये छलनी हम बर्तन के ऊपर रखेंगे और इसे ऊपर से ढक देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि पानी में भाप अच्छे तरीके से बनती रहे और इन्हें 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। और ये पककर तैयार हैं। कितने फूले फूले और स्पंजी बने हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें उतार कर हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये रोल हल्के ठंडे हो गए हैं। इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। ये रोल हमारे तैयार हो गए और ये बहुत टेस्टी बने हैं। इन्हें और ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो इनके ऊपर एक छोटा सा तड़का लगा देते हैं। तड़का पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल,
गरम तेल में डालेंगे चौथाई छोटे चम्मच सरसों के दाने। फ्लेम धीमी रखेंगे। सरसों भुनने के बाद ये आधा छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और ये 8-10 करी पत्ता डाल देते हैं और ये तड़का हम इन रोल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। हमने इसमें सरसों के दाने और तिल करी पत्ता डालकर तड़का लगाया है। आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़ इसमें से स्किप कर सकते हैं। जीरे का तड़का लगा सकते हैं इसके ऊपर, ताज़ा फ्रेश ग्रेटेड नारियल डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं। अपनी पसंद से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। वेज सूजी रोल सर्व करने के लिए तैयार है और आप इसे बनाकर खाएंगे, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत आसान है। सूजी का डो लगा रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और एकदम सख्त भी नहीं होना चाहिए। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।